नमस्कार, मैं पूर्णा मंडल आपका स्वागत करती हूँ आरएलएफ 100 न्यूज पर। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहिए आरएलएफ 100 न्यूज पर। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। खास खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से। शासन प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद नहीं रुक रहा है झोला छाप डॉक्टरों का इलाज। बिना किसी डिग्री के चल रहे मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग होम लाइसेंस भी नहीं है। गरीबों के नाम पर चल रहे लूट घुसोट। बहराइच से 100 किलोमीटर दूरी कतनिया घाट जंगल क्षेत्र दारू के बस्ती व अभिन्न कस्बे चौराहे पर बिछिया सुजौली जबरिया सहित दर्जनों चौराहे पर बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर पर नर्सिंग होम बनाकर इलाज कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की नज़र इन मेडिकल स्टोर पर नशीली दवाएं खूब धल्ले से बिक रही है। इतना ही नहीं, चोरों के नज़र इन मेडिकल स्टोर पर नहीं पड़ रही है। इन मेडिकल स्टोरों पर दवाइयों का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। झोला छाप डॉक्टरों का इलाज के नाम पर मोटी रकम दी जाती है। प्रदेश भर में झोला छाप डॉक्टरों का इलाज के दौरान लगातार मौतों का सिलसिला जारी रहता है। फिर भी जागरूक जिम्मेदारी अधिकारी कर्मचारी इस ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं शासन प्रशासन द्वारा लगातार निर्देश भी दिया जा रहा है, लेकिन मोटे कमाई के चक्कर में लोगों को जान लेने पर तुले रहते हैं झोला छाप डॉक्टर। सराजुद्दीन खां की स्पेशल रिपोर्ट। और जो लोगों को आप दवाएं देते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगाते हो, दवाई दे रहे हो, इसका दूसरा डॉक्टरी का डॉक्टर की डिग्री तो है। जहाँ पे मैंने काम किया वहाँ का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस है ना, ये पढ़ने का बहुत अच्छा होता। और कोई माना को खतरा हो गया किसी मरीज को, जो दवाई चली किसी का करते कोई रोकने का उपाय है? राजनीति गर्म है और बयाबाजी भी बढ़ जाती है, तू-तू मैं-मैं होता है, शोर शराबा भी बढ़ जाता है, पर इन सब के बीच बिजली सड़क पानी और महंगाई आप है भारत के भाग्य बिगाड़ता। आरएलआई 100 में दिलाएगा आपके मुद्दों का मुद्दा। आप आरएलआई